लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे भाई सामान जरा ठीक से रखना। चलो रखो, ये लो शांति, फल रख लो, रास्ते में बच्चों को खिला देना। और हाँ, अपना और बच्चों का ख्याल रखना, कोयना में सर्दी बहुत पड़ती है। अरे भाईजान, आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे हम लोग कोयना नहीं शिमला जा रहे हैं। नहीं सलमा बहन, बात यह है कि पहली बार बीवी बच्चे मुझसे दूर जा रहे हैं ना, इसलिए जी घबरा रहा है। ये मिसेस गोम्स नहीं आई अभी तक। लो आ गई, 100 बरस जिएगी ये तो। इतनी देर कर दी आने में, बस चलने में 5 मिनट रह गए यहाँ। हम क्या करूँ, हमारा ये छोकरी गोलियों के पीछे पागल है, आपका दिन सारा दिन गोली 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 चलने में। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जल्दी बस तुम बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, चलो चलो तुम भी बैठो बैठो। और सुनिए, जल्दी आपको छुट्टी मिले फौरन कोई ना। हाँ आऊंगा। अरे पता मत क्या करती हो, चलो चलो बैठो बैठो। अरे सुनो सुनो सुनो, जॉन कहाँ है? जॉन यही तो। अरे ठीक है, तुम बैठो मैं देखता हूँ। ए जॉन, अरे जल्दी चल, बस चलने वाली है। आया आया। हाँ जल्दी आ जल्दी। हाय जॉन। हाय विकी। क्या यार, मैं तो समझा था तू आएगा ही। अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये तो कोट ढूंढने में टाइम लग गया, वहाँ वो सर्दी है ना, पहन लेना। हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू यार, थैंक यू। देख मैं तेरे लिए मावे का केक लाया हूँ। अरे वाह यार वाह, थैंक यू। हाँ अरे क्यों इसकी आदतें बिगाड़ता है बेटा, आज सुबह जब मैं इसको प्रेजेंट देने लगा तो कहने लगा मैं नहीं लूंगा जब तक मेरे दोस्त के हाथ का केक नहीं खाऊंगा। किसी दिन इत्तेफाक से तू इसके बर्थडे पे नहीं पहुंचा तो ये तो बर्थडे नहीं मनाएगा बिल्कुल। ऐसे कैसे नहीं मनाएगा अंकल, मैं चाहे पहुंचू या ना पहुंचू लेकिन मेरा केक जरूर पहुंच जाएगा। बस जा रही है, चल जा बेटा, तेरी बस जा रही है। बाय विकी। हां गोम्स आंटी, हेलो। नमस्ते भाभी। आदाब पापा। भाभी जाते साथ ही खत लिख के खबर कर देना। मैं तो खबर कर दूंगी, तुम भैया इनका ख्याल रखना। अरे इनका तो मैं ऐसे ख्याल करूंगा कि वापस आने के बाद आप पहचान नहीं पाएंगे इनको। हैव अ नाइस ट्रिप। रामू, विकी को स्कूल छोड़कर जल्दी से होटल चलते हैं। क्यों? अरे आज पहली तारीख है ना, रघु और जग्गी ने उधार के पैसे ना दिए तो अपना सेठ उनका पतीता कर रहा होगा। अरे इसकी तो चल। तुम दोनों के ऊपर 400 रुपया उधार हो चुका है। ओफो, तो मेरा घोड़ा गाड़ी गिरवी रख ले जो बाहर खड़े लाए। मैं घोड़ा गाड़ी को करूंगा क्या, मैं अपना होटल चलाऊंगा या तुम्हारा घोड़ा गाड़ी चलाऊंगा? अच्छा वो अपना दोस्त ने नाम दे, वो गारंटी ले लेगा ना यार। नाम दे भाई, कौन यहाँ का मालिक है क्या? नौकरी है सेठ, हम कब बोला कि हम मालिक है, मगर ये लोग तो हम लोगों का दोस्त है ना। अरे सबके सामने लोगों का बेइज्जती खराब नहीं करो। तो उनसे कह दो सीधा सीधा पैसा निकाल दे। अरे मरता काय को सेठ, तू मरता काय को है, नाम दो की पगार में से काट लेना। अरे इसकी पगार है कितनी कि उसकी पगार में से काटूंगा, ऐसी बात है? अरे काय को ऐसे आदमी लोग की बात सुनता है, उतार अपनी अंगूठिया दे दे इसको। हाँ बराबर बोलता है। ये 3 अंगूठिया 3 बीवियों के साथ दहेज में आई थी, संभाल के रखना। ओम अल्लाह, क्रॉस की अंगूठी, ये साहूकार की दुकान नहीं है, ले ले अपनी अंगूठिया। और काय को ऐसे फालतू दोस्तों के लिए अपने घर की इज्जत गिरवी रखता है, अभी चल भेजा। आओ दाम। और सुनो तुम दोनों, 1 महीने के अंदर मेरे पैसे मिल जाना चाहिए। अरे हाँ दे देगा ना यार, साले कहाँ से चले आते हैं। सेठ ये बेवड़े का 4 रुपया बिल हो गया, देता नहीं है। अरे नामदेव जरा पैसा तो वसूल करके दे। अरे पैसा नहीं है, बोलो ना। देखो एक तो चाय के कप में दारू पीता है, ऊपर से पैसा भी नहीं देता है। ए बेवड़ा पैसे क्यों नहीं देता, निकालो 4 रुपए। पैसा कैसा नहीं है, अपन का पैसा बेवड़े में सब खलास, 5 रुपया बच जाए, ये लॉटरी का टिकट लिया है 5 लाख, तुम ले 4 रुपया दे सेठ। अरे इस टिकट को लेकर हम क्या करेगा? अरे सेठ अपन का नसीब फुटेला है, तुम्हारा नसीब जोरदार है लगेगा, तुम ले साहब ले। क्यों भाइयों क्या ख्याल है, 5 रुपए का टिकट 4 रुपए में मिल रहा है, 1-1 रुपया डालकर ले ले। तो लाओ फिर निकालो 1-1 रुपया। ले बे नामदेव, तू दे 1 रुपया। लाओ भाई ये ले, सेठ को बेवड़े का बिल दे दे। ये लॉटरी का टिकट रहेगा किसके पास? अरे क्या फर्क पड़ता है, किसी के पास भी रहे, आपस में दोस्ती की बात है, कोई बेईमानी थोड़ी करेगा। नहीं प्यारे, जहाँ पैसे का मामला आता है वहाँ दोस्ती रिश्तेदारी सब खत्म हो जाती।
एक काम करते हैं, जिसका पत्ता सबसे भारी होगा लॉटरी का टिकट वो रखेगा। लगता है टिकट जग्गी के पास रहेगा। ए भाई, कभी लॉटरी लगे तो तू लेके फूट मत जाना। अरे भाई रघु, क्या बात करता है, कभी भी आजमा लेना। दोस्ती के लिए जान दे दूंगा लेकिन कभी बेईमानी नहीं करूंगा। हाँ। अरे मिलाओ इसी बात पे हाथ, चलो मिलाओ। हाँ, ये बात हुई ना। तुम जल्दी से वहीं आ जाना। जल्दी आना पापा, जल्दी आना पापा, जल्दी आना। चलो बच्चों, टाटा पापा, टाटा पापा, पापा टाटा। आशा भागो, नहीं किम का हाथ पकड़ो। अरे याद रखी थी कहाँ है? डबल वन, डबल वन, टू जीरो, टू जीरो, सिक्स वन, सिक्स वन। लकी, लकी, धन्य हो लक्ष्मी माँ, धन्य। मालती, अरे ओ मालती, अरे मालती, देखो हमारी लाठी लग गई। तुम जल्दी वापस आ जाओ। हाँ, अरे भाई हमारी लाठी लग गई, हम अमीर हो गए। अरे हे भगवान, तूने हमारा नसीब धो दिया, हमारा नसीब खुल गया। अरे भगवान, तूने हमें रही बना दिया। अरे मेरे यार सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। मैं सबसे पहले नाम देव को फोन करता हूँ। अरे यानी सेठ का सारा कर्जा चुका देंगे, सारा कर्जा चुका देंगे। ए जगी, अरे रघु, अरे रघु, अरे यार देख हमारी लाठी निकलाई, लाठी। अरे अजब करे, अरे इसी बात से करे लग गया मेरी जान। अरे हम लक्ष्मी बन गए। तूने मुझे तूने बोला था ना मैं दोस्ती के वास्ते जान दे दूंगा। अब एक काम कर, तू जान दे दे और मैं पैसा ले लेता हूँ। प्लीज, मैं जग्गी बैंड वाला बोल रहा हूँ, खेतवाड़ी चौदह गली से। मुझे मेरे दोस्त नामदेव, नामदेव ने चाकू मार दिया। जग्गी, अरे हो जग्गी के बच्चे है, अपनी लॉटरी लग गई। जग्गी, आज का अखबार। जग्गी, ये सब किसने किया? नामदेव, रघु, ये क्या किया तूने? पहले कुछ नहीं किया, ये छुरा तो पहले से उसकी पीठ में घुसा हुआ था। काय को झूठ बोलता है रे साला, पैसे के लालच में तूने मेरे दोस्त की जान ले डाला। नहीं 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 रघु, मुझे अपने बच्चों की कसम, मैंने इसे नहीं मारा, ये तो मेरे आने से पहले मारा हुआ था। मगर तू अपनी हालत देख, हाथ में चाकू है, कमीज पे खून का निशान है, कभी खून निकलेगा तो सीधा बारा के भाव में चला जाएगा। अरे फेंक और जाके पहले निशान दो। अचानक कौन है अंदर?
ये क्या करता है साहब? ये खून के दाग धो रहा है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। अरे तू, अरे नामदेव तू यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ भाग रहा है? पुलिस मेरा पीछा कर रही है। पुलिस? चल चल बैठ बैठ, चल जल्दी जल्दी जल्दी। पुलिस तेरा पीछा क्यों कर रही है? वो जकी का खून हो गया। क्या? वो मैंने खून नहीं किया, मुझे मेरे बच्चों की कसम। मैं जब वहां पहुंचा तो जकी की लाश वहां पड़ी हुई थी। तुम रघु से पूछ लो, रघु भी वहां मौजूद था। अब रघु कहां है? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है पुलिस को देखकर वो भी भाग गया हो। खैर तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। क्या हुआ, क्या हुआ दामू? लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। गाड़ी एक तरफ रोक, एक तरफ रोक। अब बता दामू, दामू दामू दामू, घबरा नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। दामू बचूंगा, दामू बोलना बोलना, क्या हुआ तुझे? इससे पहले तुझे कभी दौरा पड़ा है दामू? बता था क्यों नहीं दामू? दामू बोल ले, दामू दामू बोल ले। I'm sorry, Mrs. Gomes. ये मर चुके हैं। Oh God! Oh God! हमारा दिल को क्या जवाब देगा? जी। I'm very sorry, Mrs. Gomes. क्या बता सकती हैं नामदेव कहाँ हैं? नामदेव तो इधर नहीं आया। उसका बीवी और दो बेटा लोग आया। देखो ना क्या ट्रेजेडी हो गया। हम उसी की तलाश में। काय को? वो खून करके फरार हो गया। नहीं नहीं, नामदेव खून नहीं कर सकता। हम उसे कहीं से भी ढूंढ लेंगे। नहीं, नहीं। चलो इतने खूनी नहीं हो सकते। अब हमारे क्या होगा आंटी? तुम्हारी आंटी गोम सभी जिंदा है बेटा। अगर गॉड हमारा नसीब में दुख लिखा है तो हम दुखी बात नहीं बेटा। ये रहे लॉटरी के 5 लाख रुपए। अच्छा एक बात बोल, ये पैसा लेके तू करेगा क्या? यार मैं सोच रहा था एक होटल बनाऊंगा। कमाल है यार, तेरी खोपड़ी मेरी माफिक चल रही है। साला मैं भी होटल बनाने की सोच रहा था। क्या बोल रहा है? ईमान से एक काम करते ना, अपन दोनों मिलके होटल बनाते, बड़ा शानदार होटल। अपना नाम दे ना, उसकी भी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ठीक है, एक काम करेंगे। क्या? उसके छोकरे को अपने होटल में नौकरी दे देंगे बाहर वाले की। बराबर है। आ लगी तो नहीं? नहीं नहीं, तुम्हारी गोटियों पे से तो फिसलने की आदत सी हो गई है। अरे स्कूल में भी गोटियां खेलता होता, बेचारा हेडमास्टर इसके गोटी के ऊपर से फिसल के गिर गया, हॉस्पिटल में पड़ा है। ओफो, तू कभी नहीं सुधरने वाली। चल भाग इधर से। अच्छा आंटी जी, जॉनी कहां पर है? वो क्या होटल में? होटल में ए जॉनी। अरे तू ये क्या, पढ़ाई लिखाई छोड़कर तू होटल में वेटर का काम करने लगा? अरे यार ये तो अपना खानदानी पेशा है। दादा विठल की होटल में वेटर था, बाप ईरानी की होटल में, और अपुन साला राम भरोसे हिंदू होटल में। ये जारी है सेट का 2 रुपया बारह ना लो। अरे बैठ ना यार, बोल तू क्या खाएगा? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सुन जानी, पिताजी मुझे विलायत भेज रहे हैं। विलायत? हाँ पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया कि जॉनी को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे तू ऐसा मत कर यार, तू जा विलायत, खूब पढ़ लिख करा। जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा ना तो पब्लिक के बीच में अपना भी वट हो जाएगा यार। अपने दो जकी और नामदेव के गम में पीते। अरे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दो नहीं 4 गिलास पिताजी, आप लोग दोस्ती के गम में पीजिए और हम लोग होटल बनने की खुशी में। अबे ये क्या तुम्हारी उम्र है दारू पीने की?
पिताजी तो हमेशा कहते हैं कि बच्चों को बड़ों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। क्यों पिताजी? अरे जियो मेरे लाल, देखा इसको कहते हैं बेटे। मैं तो कहता हूँ तू भी अपने बेटे को पिलाना शुरू कर। अबे चुप है। दो बुनियाद डाल दी। भर दे। चेयर्स। होटल के 20 साल मुबारक हो। मुबारकबाद तो मैं तुम लोगों को तब दूंगा जब आज का ये फंक्शन कामयाब होगा। आज हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आने वाले, उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। बेटे आज हमारे यहाँ लीडर्स आने वाले हैं, फिल्म स्टार्स आने वाले हैं। स्टार्स आने वाले हैं तो क्या हुआ अंकल, हम भी किसी स्टार से कम नहीं है। आज रात को आप जरा हमारा भी इंतजाम देखिएगा। You're right, brother. Yeah! हम एक रेस्टोरेंट प्लान कर रहे हैं। हेलो वैसे गुप्ता, हिंदुस्तान में अपनी तरह का। भाई पार्टी का सारा इंतजाम तो A1 है, लेकिन आपका वो 3 नामों वाला वेटर कहाँ है जो सबका दिल बहलाता है? At your service, sir. लीजिए, जिसे आप याद कर रहे थे वो रहा। जान जानी जनार्दन, तररम पम 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 पम। जान जानी जनार्दन, तररम पम 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 पम। साहिब ने बुलवाया, हाजिर हो मैं आया हूँ। यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन। देव धना धन, जान जानी जनार्दन। आदमी के 3 नाम कैसे? ये तीनों नाम है मेरे, ये तीनों नाम है मेरे। अल्लाह जीसस राम है मेरे। जिस नाम से जो चाहे मुझे बुला ले। जिसने जो फरमाया, जो मांगा मैं लाया। दुश्मनों का दुश्मन दे धना धन। जान जानी जनार्दन, तररम पम 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 पम। जान जानी जनार्दन, तररम पम 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 पम। के सारे ये सबका दिल बहलाए, मैं इनका दिल बहलाऊं। ये सबका दिल बहलाए, मैं इनका दिल बहलाऊं। हीरोइन से टकराया, हीरो को गुस्सा आया। ओ यारों का मयार, दुश्मनों का दुश्मन मत धना धन। जान जानी जनार्दन, तररम पम 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 पम। अरे जान जानी जनार्दन, तररम पम 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 पम।
कितना टाइम लगा दिया तूने? 50 दुकान ढूंढने के बाद ये मावा केक मिला। बड़ी मुश्किल से घसीट अमल की दुकान से घसीट कर ला रही हूँ। हाँ, 2 घंटा रह गया प्लेन छूटने में। पायलट के हाथ भेजता हूँ विक्की के लिए। तू जा, तू जा। अच्छा। अरे उधर से नहीं, उधर से नहीं। इधर। चोट तो नहीं लगी जॉनी? अपुन की गोटी गिर गई थी ना वो। अरे तेरे को बोला इस उम्र में गोटियां नहीं खेलते, नहीं खेलते, नहीं खेलते। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे आ भाई, उठा जॉनी जल्दी। देखा क्या क्या हो रहा है, ये सब इस लड़की की वजह से। हाँ, ये गोटियां लेके आ गई। अरे अपुन ने जानबूझ कर नहीं करा, समझे ना। तू जा, तू जा, जा मेरी माँ, जा। अरे तो अपना मुंह देख, मुंह देख। अरे बाप रे, गोटी गोटी। जाड़िया, हट, हट इधर से जाड़िया। साला मेरी गोटी में बैठ गया। साला गिरता कर रहा, लफड़ा अपने साथ हो रहा है। तेरे नाक पे भी मेरी गोटी। ए अंधे, तेरे चश्मे भी मेरी गोटी। चलो हटो तुम लोग तीनों इधर से, हटो इधर से। किसी का मारे पीछे देख। ए, ये सब क्या हो रहा है? वो क्या रहा है? बस यही हो रहा है। क्या हो रहा है? सॉरी, आपका सब कपड़ा खराब हो गया। सॉरी। कम ऑन फॉक्स, लेट्स गो। ओ पायलट साहब, 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 एक मिनट, एक मिनट। जॉन, ये क्या हाल बना रखा है? कुछ नहीं साहब, थोड़ा सा तकलीफ दे रहा था। क्या बात? वो साहब आप विलाज जा रहे हैं? साहब उधर अपना एक दोस्त रहता विकी, कल उसका जन्मदिन, ये केक उस तक पहुंचा था, आप ले जाएंगे? अरे बस इतनी सी बात है? अरे मूड हो तो बोलो, तुमको भी साथ ले चलते हैं। अरे साहब अपना किधर नसीब है विलाज देखने का, ये केक उस तक पहुंच जाएगा, अपन समझेगा, अपन भी अपना दोस्त के साथ चला गया। ओके प्लीज, थैंक यू। ओ साहब एक मिनट, ये उसका एड्रेस। ओके, थैंक यू। Mr. Vicky has won all the money. Okay, folks, see you. Mr. Vicky, casino ka itna sara maal jeet kar aap ja kaise sakte?
जैसे अक्सर हार के जाया करता हूँ, आज जीत के जा रहा हूँ। आपको और भी खेलना पड़ेगा मिस्टर विकी, आखिर दूसरों को भी तो चांस दीजिए। मिस्टर विकी, या समवन हियर टू सी यू। हेलो सर, आई एम कैप्टन सिंह फ्रॉम बॉम्बे। हेलो, आपके दोस्त जॉन जानी ने आपके लिए केक भेजा। ओह कैप्टन, मैं तो बिल्कुल भूल गया आज मेरा बर्थडे, लेकिन मेरे दोस्त को याद है। क्या बात है कैप्टन, इसे कहते दोस्ती प्यार मोहब्बत। ये केक मेरे लिए केक नहीं बल्कि प्रसाद है प्रसाद। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं कैप्टन, वो मुझे केक भेजना नहीं भूलता। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय फ्रेंड हैज सेंट मी दिस केक फ्रॉम बॉम्बे। इट्स माय बर्थडे। ऑल द ड्रिंक्स यू कैन ड्रिंक ऑन मी, एंजॉय योरसेल्फ। चीयर्स, चीयर्स टू यू विकी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू लव कैप्टन, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योरसेल्फ। सुनो भाई, हमारे यहाँ एक कहावत है कि सवेरे सवेरे मुंह मीठा करने से सारा दिन अच्छा गुजरता है, तो लोग कर लो मुंह मीठा। What's happening? हिंदुस्तान की मशहूर पॉप सिंगर मिस आशा को पेश करते हैं, मिलिए मिस आशा से। नमस्ते। लगता है आपकी आवाज कुछ खराब हो गई है, कहिए तो प्रोग्राम कैंसिल कर दूं। जी नहीं, जब भी मेरी आवाज खराब होती है मैं कोकिला ड्रॉप्स इस्तेमाल करती हूँ। आशा जी, इस बिकनी को पहन लीजिए, एक आखिरी शॉट देना है। ये कपड़े? जी हाँ, इसे पहनकर आप क्या खूबसूरत लगेंगे तो रील देखने वाला ही जानता है। ये कपड़े मैं पहनूंगी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों नहीं पहनेंगे आप? आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जितने भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनमें आप काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जरूर किया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे देश की अच्छी अच्छी चीजें यहाँ मशहूर हों, ऐसी बेहुदा चीजें नहीं। देखिए मिस आशा, अगर आप ये नहीं पहनेंगी तो ये कपड़े मुझे पहनाने आते हैं, समझी? मैं भी देखती हूँ मुझे ये ड्रेस कौन पहनाता है। मैं बताता हूँ कौन पहनाता है। अबे ओ लंगूर, हिंदुस्तान छोड़ दिया तो क्या हिंदुस्तानियों की इज्जत करना भी छोड़ दे? कौन है आप? तुम्हारा बाप हिंदुस्तानी हूँ और तुम्हें ये समझाने आया हूँ विलायती कौवे कि अपने देश में लड़कियाँ कपड़े उतार कर नहीं बल्कि पहनकर खूबसूरत लगती हैं। हम यहाँ इनके हुस्न और जिस्म की नहीं, इस बिकनी की पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो आप ही पहन लीजिए ना इसे, पब्लिसिटी की पब्लिसिटी हो जाएगी, कॉमेडी की कॉमेडी हो जाएगी और इस बिकनी की बिक्री भी हो जाएगी। तो हो जाए। कहाँ ले जा रहा है? अबे ए, गौरव बचाओ, पुलिस को बुलाओ, अरे वरना तुम लोगों की पेमेंट कौन करेगा? हेल्प हेल्प पुलिस पुलिस हेल्प पुलिस।
कम ऑन विलासी लंगू, तुम अपना कपड़ा पेड़ की डाली से उठा लाओ। वो चिमना कपड़ा लाओ, पुलिस बुलाओ, पुलिस पुलिस। ठीक है बेटे, आज तो तू इस लड़की के सामने हीरो बना है, कल मैं इसके सामने तुझे विलन बनाऊंगा। तूने मेरे कपड़े उतारे हैं, मैं तेरी इज्जत उतारूंगा, आज एक दिन देख लेना। अबे तू समझता क्या है मुझे, मेरा नाम शेर सिंह है, शेर सिंह। अरे ढकलो अपनी, भागो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया किस बात का, परदेश में अपने देश वालों का ख्याल तो रखना ही चाहिए, है ना? और फिर ये बुरा वक्त कभी हम पे भी तो आ सकता है। वैसे मेरा नाम विकी है, नमस्ते। मैं आशा हूँ। बस आशा ही तो है जी, आपको कौन नहीं जानता, आप तो हिंदुस्तान की नाज और लाज है। आप यहाँ क्या करते हैं? खेती बाड़ी करता हूँ, किसान। किसान जी हाँ, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ता हूँ। वैसे आज शाम को क्या कर रही हैं? आज शाम को मेरा शो है। अच्छा, और कल? कल लंदन में मेरा लास्ट डे है, इसलिए घूमने के लिए मार्लो जा रही हूँ। गाइड बनकर आपके साथ चल सकता हूँ मैं? फिर कभी सही। नमस्ते। ठीक है, अपने नसीब में ही नहीं कि एक शाम आपके साथ गुजार। एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी? मैं बड़ा फ्रैंक आदमी हूँ, जो बात दिल में होती फटाक से जुबान पे ले आता हूँ। सारी दुनिया घुमा, एक से एक लड़कियों ने मेरा हाथ मांगा है, मगर मैंने किसी की तरफ अपना हाथ दिया नहीं। आप पहली लड़की हैं जिसकी तरफ मैं खुद अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ। कहिए, हाँ तो हाँ, ना तो ना। देखिए मिस्टर विकी, हमारी बात तो अभी तक सिर्फ शुक्रिया तक ही पहुंची है, दोस्ती ही नहीं हुई। प्यार तो बहुत दूर की बात है, फिर शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। Now look, sir. It'll cost you 100 pounds. You said it'll be only a few blocks, but you have thrown two men in the river, and this is going to cost you a lot, yeah. sir. One minute. ये सब करने के लिए इन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे? Did he give you money? I swear. Stop it. तो आप मुझे impress करने के लिए, अपने आप को मेरी नजरों में hero साबित करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल कर रहे थे? ये सब झूठ है। मैं इसे जानता भी नहीं। लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जान गई हूँ। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, ये आदमी झूठ कह रहा है। I swear upon God. Please, आप मेरी बोट से उतर जाइए। Well done, boy. Well done. ये लो पैसा, जाओ और मजा करो।
हमारा टीवी का प्रोग्राम फ्लॉप करके आप अपने रोमांस का प्रोग्राम हिट करने जा रहे थे। ओह, तो ये सब तुम्हारी चाल थी। हाँ बेटे, ये मेरी ही चाल के चमचे पानी में गिरा दिया। Give me the bottle. But sir, you don't drink. I said, give it to me. Give it to me. सब वो अपन का तनख्वाह ना सब वो बढ़ा दीजिए। क्यों, पांच साल पहले तो 10 रुपए बढ़ाए थे तुम्हारी तनख्वाह में। हाँ साहब, आपको तो मालूम है कि अपन का एक छोटा भाई है, शिमला में पढ़ता है साहब, उसका पढ़ाई के लिए काहे को पढ़ाते लिखाते उसको। तुम्हारा बाप वेटर था, तुम वेटर हो, वो भी वेटर बनेगा। अरे नहीं साहब, नहीं, वो वेटर नहीं बनेगा साहब, वो तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा साहब, बहुत ऊपर जाएगा, इतना ऊपर जाएगा कि लोग सर उठा करके उससे बातें करेगा। सनी वाकई कितना ऊपर पहुंच गया। सिर्फ एक मार्क का सवाल है बाबा, 34 मार्क मिले हैं, 35 कर दो, इस गरीब का सिर्फ एक मार्क बढ़ा दो, जिंदगी भर दुआएं देता रहेगा सर। अरे कोई जाओ और पकड़ कर इसे नीचे लाओ। सर उसने ऊपर का दरवाजा अंदर से बंद करके रखा है, ऊपर जाए तो कैसे जाए। सनी सीधी तरह नीचे आ जाओ, वरना एक नंबर बढ़ाते हो तो सीढ़ियों से उतर कर नीचे आता हूँ, नहीं बढ़ाते हो तो कूद कर नीचे आता हूँ, बोलिए कैसे आऊँ। सोचिए मत सर, एक नंबर बढ़ा दीजिए, वरना वो कूद के मर जाएगा। अगर मैं कूद गया तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैं मर गया तो मेरा नाम अखबारों में आएगा, अगर मेरा नाम अखबारों में आएगा तो स्कूल का नाम भी आएगा, अगर स्कूल का नाम आएगा तो स्कूल की बड़ी बदनामी होगी, अगर स्कूल की बदनामी हुई तो आज के बाद कोई माँ बाप अपने बच्चे को इस स्कूल में भर्ती नहीं करेगा, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को इस स्कूल में भर्ती नहीं करेगा तो इस स्कूल में ताला लग जाएगा सर, और अगर इस स्कूल में ताला लग गया। सनी मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ। और मैं भी आपको आखिरी बार कहता हूँ सर, एक नंबर बढ़ा दीजिए इस गरीब का, वरना इसकी हाय लग जाएगी आपको। क्यों किसी की बद्दुआएं लेते हो सर, मेरे सब सब्जेक्ट्स पर टोटल मिलाकर सिर्फ एक मार्क है, ये मार्क उसे दे दीजिए, मेरा फिगर मेरी तरह राउंड हो जाएगा जीरो। देखा भाइयों, देखा सर, ने उस बेचारे मोटे की अपील पे भी कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है सर, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर आपने नंबर बढ़ा दिया तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से सीधा आप पे डाई मारूंगा। माय गॉड सनी, दिस इज ब्लैकमेल। देखो मैं जंप करने का पोज देने वाला हूँ, टाइट पकड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सीधा उसके गोद में पहुंच जाऊं। नहीं बढ़ाते ना, अच्छी बात है, ये लो, एक दो दबा दो, ढाई पौने तीन। अरे कैसे जालिम हो, भगवान ने दुनिया बनाते वक्त भी इतना टाइम नहीं लिया था, एक मार्क बढ़ाने में आप इतना टाइम ले रहे हो। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको एक और चांस देता हूँ, मुझे नीचे कूदने की इतनी जल्दी नहीं है, आप सोच लीजिए। ओह कम ऑन गाइस, जल्दी बाहर निकलो, जल्दी, फायर फायर है। लड़कियाँ कम ऑन गाइस, अरे चलो मेरे दोस्तों, अरे मेरे हमदर्दों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अरे लड़कियां देखी तो क्या भाग गए, अरे मेरा एक नंबर क्या होगा। अरे क्यों मेरे प्लान को चौपट कर रहे हो, मेरे प्लान को, एक तो मेरी उसके ऊपर तुमने मेरी इनको बचाओ। ओह गॉड, अरे सनी एक दो दिन का चक्कर छोड़, देख हॉस्टल में आग लगी और तेरी क्यों वहां फंसी है। क्यों, अबे खींच रस्सी। शर्म नहीं आती लड़कियों के छुपकर सिगरेट पीता हुआ इडियट। तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो, आग, ये आग कहां से चली, हट हट हट, सारा हॉस्टल नीचे खड़े होकर चिल्ला रहा है ऊपर आग लग गई है और बेचारी किम फंसी हुई ऊपर। हां
क्या? मैंने कहा सारा हॉस्टल नीचे। ये क्या? और उसको बढ़िया फुल तू लगा रखा है। अबे कोई चिल्लाएगा भी तो पता भी नहीं चलेगा कि यू ब्लडी नट क्या हो गया तेरे को यार। अरे तुम्हें क्या पता, लिप रीडिंग यानी कि होंठों की ज़बान सीखने के लिए बहरा बनना पड़ता है और साथ में सिगरेट भी पीना पड़ता। अबे तेरे को लाख बार समझाया कि लड़कियां सिगरेट नहीं पीती नहीं पीती नहीं पीती, लेकिन तू एक घंटे से छत पे खड़े होकर एक माँ के लिए जान देने की धमकी दे रहा था मैं, लेकिन तेरे धुएं ने मेरी प्लान की कर दी मेरी। थोबड़ा गला कर रहा हूं, इसके पेट में धुआं भर गया उसे निकाल रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? डर्टी माइंड। देखा निकला कि नहीं? ओह योर डार्लिंग। अच्छा अब डार्लिंग हो गया हूं? यू नो मैडम, मैं अपनी जान पर खेल कर इसे बचा कर लाया हूं, पूछो इससे। बराबर। अरे अगर मैं ठीक टाइम पर पहुंचकर वहां आग को काबू में नहीं ले लेता तो बेचारी जलकर शामी कबाब हो गई होती, पूछो इससे। बराबर। हजार साल जियो। फेल होकर हजार साल जीने से पास होकर इज्जत की एक सांस जीना बेहतर। बराबर। फेल होकर बड़े भाई को मुंह दिखाने से चुल्लू भर पानी में डूब मरना बेहतर। बराबर। इतने लफड़ों से बचने के लिए एक मात देकर पास कर देना बेहतर। बराबर। अगर ये सब बराबर है तो मिस सुप्रीम कोर्ट मिस्टर हाई कोर्ट से मेरे एक नंबर की अपील कीजिए प्लीज। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से अपील करेगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ऑर्डर देगा। लुक मिस्टर हाई कोर्ट, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है इस होनहार बालक को पास। लेकिन मेरी बात तो सुनो। ऑर्डर इज ऑर्डर, हमने कह दिया पास मतलब पास। ओके पास। थैंक यू मिस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स थैंक्स। सनी, अरे कम पास हो गया। अरे मैडम, अरे मैडम, मैडम। मेरा एक और मामूली सा काम कर सकती हैं। बोलो, बोलो। क्या मैडम, कल जो हमारे स्पोर्ट्स हैं उसमें लड़के और लड़कियों की हुद्दू तू खेलने की परमिशन चाहिए आपको। थैंक यू मैडम। अरे परमिशन मिल गई। कम या कम या कम या कम या हुद्दू तू मैच। हाँ मैडम। लड़के और लड़कियों का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? परमिशन नहीं मिल सकता। आई से नो मैडम। नो मैडम, कुछ मैडम, मैडम 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 ओनली वंस यार, एक बार। गुड मॉर्निंग प्रेमा। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रेम। मेरा प्रेम पत्र पढ़ के कहीं नाराज ना हो ना, जुल्फों के बादल में चांद जैसा मुखड़ा छुपाए हुए इस चकोर को कब तक तड़पाती रहोगी जालिम? चांद तो खुद देकर आया है चकोर से मिलने के लिए, मगर बीच में लड़के लड़कियों की दीवार। मौसम कितना खुशगवार है, मौसम कितना खुशगवार है, बहार पर बहार है, बहार ही बहार है। लेकिन इससे पहले फिल्म जवानी दीवानी देखने का विचार है? कहो, इकरार है? मुझे कब इनकार है, मुझे कब इनकार है? फिर आज शाम 7:30 बजे मिलन सिनेमा में हो जाए अपना मिलन। हो जाए। मिलन होगा, लेकिन पहले मुझसे और सनी से। ये जवानी है दीवानी, तू आ जा मेरी रानी। मैं आया, मैं आया, मैं आया मेरी रानी मैं। गुड इवनिंग सर। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? पहरेदारी सर। बट सर क्या जच रहे आप इस सूट में? कहीं किसी की नजर ना लग जाए ये काला सा टीका लगा लीजिए सर। वैसे आज किस पर बिजली गिराने का इरादा है सर? तुम कौन होते हो पूछने वाले? सिगरेट फेंक दो, फेंक दो। पता है 7 बजे के बाद बाहर निकलना मना है। मालूम है 7 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर निकलना मना है, ये रूल हम पर भी लगता है और आप पर भी। मैं तो चेक करने आई थी, कोई बाहर तो नहीं गया? बहुत खूब, चेक करने निकली थी। मुंह पर 6 इंच का मेकअप, पैरों में 4 इंच की हील पहनकर आप चेक करने निकली हैं कि कोई बाहर तो नहीं गया? बालों को काला कर, कपड़ों पर सेंट छिड़क के, छुपते छुपाते गाना गाते, हॉस्टल से बाहर जा रहे ट्यूशन पढ़ाने का, मैडम को पटा रहे नटखट कहेंगे। ऐसा बोला, ऐसा बोल कोई सुन लेगा। इसलिए तो बोलती हूँ लड़के लड़कियों की हुतुतु की परमिशन दे दो, वरना आप लोगों के बुढ़ापे की मोहब्बत का भांडा फोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तू तो मेरा बेटा है ना, तू क्या मेरा भांडा फोड़ेगा? तुझे परमिशन चाहिए ना। दी। मैंने भी दी,
जकड़ो 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 देखो जाने ना पाए, चाहे तो आपस आने ना पाए। अरे पकड़ो 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 जकड़ो 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 ये चकड़ो चकड़ो चकड़ो।
कि तुम क्या कर रहे हो। मैं सबको ट्रेनिंग करूंगा, सब की खबर लूंगा, मैं ये हत्या इसको नहीं छोड़ूंगा। मतलब सिर्फ इतना मिताशा जी कि आज के बाद गोल्डन क्लब में आप नहीं बल्कि माय स्वीटी पाय मिस शीतल गाएंगी। हाय, आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले? उस क्लब के मालिक का बेटा। अरे वाह, बाप हाथ पांव जोड़कर गाने के लिए राजी करता है और बेटा उसके हाथ पांव तोड़ देता है जो उसकी बात नहीं मानता। मगर आपके केस में हम आपका हाथ पांव नहीं तोड़ेंगे। जानती हो क्या है तेजाब? चिड़िया फंस गई जाल में। छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे। पांच मरद एक छुक। अरे कोई देखेगा तो थूकेगा तुम लोगों पर। ऐसा करो ये चूड़ियां पहन लो, मामला लेवल हो जाएगा। आउट। चला जाता हूं, मगर पहले तुम लोग ये चूड़ियां चढ़ा लो। यू वेरी बास्टर्ड। हाथ चलाने को नहीं बोल, चूड़ियां चढ़ाने को बोल। अरे जाती कहां है, गाना नहीं गाएगी? शुक्रिया। वो तो मुझे मालूम था। क्या मालूम था? कहानी शुरू। कहानी? हाँ। आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे और मैं बड़ाई मारते हुए कहूंगा अरे इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। फिर आप मेरा नाम पूछेंगे, मैं कहूंगा मेरा नाम है जॉन जानी जनार्दन। अब आप पूछेंगे एक आदमी के तीन नाम कैसे? तो मैं कहूंगा मैडम ईसाई माँ ने जन्म दिया, हिंदू ने दूध पिलाया और मुसलमान ने परवरिश की। तीनों धर्मों के एक एक नाम, जॉन जानी चना। फिर आप पूछेंगे मैं रहता कहाँ? मैं फाइव स्टार होटल में रहता हूँ। फिर आप पूछेंगे मैं काम क्या करता हूँ? मैं लोगों का पेट भरता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। लेकिन आप ये सब मुझे कुछ बोलने का मौका तो दीजिए। देखिए हर इंडियन पिक्चर में ऐसा ही होता है,
विलेन अपने 6-8 गुंडों के साथ हीरोइन की छेड़खानी करता है। एक खास मौके पर हीरो की एंट्री होती है, ऑडियंस में तालियां। उसके बाद हीरो विलेन और उसके गुंडों को दे दनादन करता है, जैसे कि अभी आपने देखा। उसके बाद हीरो हीरोइन में प्यार, फिर शादी, यानी हैप्पी एंड, पैसे वसूल, दी एंड। यहां ऐसे वैसे कुछ होने वाला नहीं है, ये कोई पिक्चर विक्चर नहीं बन रही है। मुझे किसी की बकबक सुनने की आदत नहीं है। बाय बाय बाय। आप जरा ये शटर खोलेंगे? चलिए। सुनिए, कहीं ऐसा तो नहीं इन गुंडों को किराए पे लाकर आप मेरी नजरों में हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे? क्या नाम है आपका? जी मैं फायर। जो भी हो मैम साहब, अगर ये फिल्म की शूटिंग होती तो ऐसा ही कुछ होता, लेकिन इत्तेफाक से ये फिल्म शूटिंग नहीं, हकीकत थी। और अगर मैं टाइम पे नहीं आता ना, तो आपका तो अब तक हो चुका होता। आधा दर्जन लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आपके सामने पेश करते हैं हिंदुस्तान की बेहतरीन सिंगर मिस आशा। होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने ये चिट्ठी दिया, आपको रात को खाने पे बुलाया।
थैंक यू। ये चुटकी उधर होटल में बजाना जहां वेटर है, यहां बुलाना हो तो नाम लेके प्यार से बुलाओ। अच्छा जॉन साहब, आपको हम घर छोड़ दें? तुम मेरे को घर छोड़ोगे? मैं तो समझा था अपना स्टोरी होटल में खलास हो गया है, पर ये तो आगे बढ़ रहा है। बढ़ने दो, बढ़ने दो, बहुत दम है स्टोरी में। बहुत जल्दी खाना खत्म कर दिया आपने। मैंने तो खाना खाया ही नहीं उसके साथ। बहुत अच्छा किया खाना नहीं खाया। ये विलन लोग के साथ तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। जितना घटिया आदमी होता है ना, उतना ही घटिया इनका खाना होता है। आप देखो अपना गला देखो है, कितना अच्छा है। वो खाना खाया होता ना, बैठ गया होता। मैंने तुम्हें यहाँ बक बक करने के लिए नहीं बिठाया। अच्छा क्या, ठीक है, बक बक नहीं करता है, चुप बैठता है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अरे बोलो ना कहाँ जाना है। अरे कमाल करता है, खुद बोलता है कि बक बक करता है, फिर खुद ही बात करने को बोलता है। बालट पेयर जाना है। अच्छा, वहाँ रहते हो? नहीं नहीं, वहाँ तो हर शनिचर हमारा इंतजार होता है। इंतजार? हाँ। कौन करता है? अपना महबूब। महबूब? हाँ, अपना डार्लिंग, अपना दिल, अपना जिगर। आहा, एक घंटा मुलाकात होता है तबीयत हरी हो जाती है। अभी आप मिलेगी ना, देखना कितने प्यार से मिलते। दो किस मैं मारूंगा, दो किस वो। बस बस बस, एकदम सही जगह पर लाके पटका। आइए मेम साहब, आइए आपको अपने महबूब से मिला दो। मुझे नहीं मिलना है तुम्हारे महबूब महबूब से। अरे जब यहाँ तक आई गई तो मिल लो ना। मैंने कहा ना मुझे नहीं मिलना है, बाय बाय। अरे ओ ओ मेम साहब, अरे अरे सुनिए तो। साला अपना नसीब ही गड़बड़ा है। साला अपना नसीब में इसी का पप्पी लेना लेगा। हाँ बोल, किसका थोबड़ा फोड़ने का है? उस्ताद आज का फाइट इतना इजी नहीं है, बाहर गांव से बहुत बड़ा बॉक्सर आएगा है, वो देख। अपन अपना बोरिया बिस्तरा बेच के पूरा 5,000 रुपया लाया है, तू बोल तो लगाता हूँ। जो लगाना है लगा दे, देखा जाए। अरे क्या बोल रहा है, अगर तू हार गया तो मैं लग जाऊंगा। ऐसा क्या, एक को 5 का भाव दे दे। दे दे। बोलो, 1 को 5 का भाव देता हूँ, लगाते हो? लगाता हूँ। 1 के 5, 1 के 5। डन डन। उस्ताद तुम पर पूरे 5,000 रुपये लगा रहा हूँ, जरा जम के लड़ना। महबूब भाई। हाँ। लड़ने का मूड चला गया। मूड चला गया? अरे तुम्हारा मूड चला गया तो मेरे 5,000 रुपये चले जाएंगे। निराशा कैसे हो गई? अरे क्या बकता है? वो आए क्यों नहीं? अरे आशा निराशा का चक्कर छोड़ और फ्लाइट की भाषा बोल। मेरे जॉन जॉनी जनार्दन जाके दे धनार्दन। साला लड़के के मामले में अपना जजमेंट कैसे फेल हो? अरे जजमेंट तेरा नहीं, अपना फेल हो गया है। अगर तू इसी तरह मार खाता रहा तो अपना तो हार्ट फेल हो जाएगा। जा मेरे शेर, मैं तेरे को दूध पिलाऊंगा। जाओ, मार खाता ही जा रहा नहीं।
जाएगा। मार! जी मैं वो साला लड़ने का मूड ही नहीं बन रहा। एक मिनट ठहर जाना। चलिए मर। अरे एक मिनट ठहर जाना, देखने रहा लड़की से बात करो। अरे साले डुबर दूंगा बोले दे रहा हूं। एक मिनट ठहरना, जाना नहीं। हाँ ठहरना, जाना नहीं है। अच्छा वाह आप आ गई, वरना फाइट करने का तो मूड ही नहीं बन रहा था। देखा नहीं किस तरह धुलाई हो रही थी। जानती है आज अगर मैं ये बॉक्सिंग मैच हार जाता तो अपने छोटे भाई को पढ़ाई खर्चे के लिए पैसे नहीं भेज सकता। अपने खून के लिए थोड़ा बहुत खून तो बहाने पड़ता है ना। वैसे क्या सोचकर वापस आ गई? मैंने सोचा कि क्या सोचा? आपके महबूब से भी मिल लूं जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे थे। ऐसा क्या? आया मेरे चमचन, मेरा मोहम्मद अली, मेरा राजा। बजा दिया तूने उसका बाजा, ले इतना ला पप्पी। सोच समझ के पप्पी दिया कर, देखने रहा लड़की खड़ी है। हाँ ये है मेरे दिल, मेरे जिगर, मेरे जान, मेरे महबूब। हाउ डू यू डू? तो ये है आपका महबूब? जी। हंस क्यों रही हो? क्या महबूब ढूंढा है तुमने? क्यों पता नहीं आ गया। अच्छा अगर मेरा महबूब तुम्हारी तरह कोई खूबसूरत लड़की होता है तो उसी रिंग में उसे मार मार के 3.5 फुट का नहीं बना देती? अरे सामने देख। तुम्हारी बातों से तो कुछ जलन की बू आ रही। मैं क्यों जलने लगी? नहीं ऐसा लगता है क्योंकि ऐसे बातें तो वही करता है जिसके दिल में कुछ हो। तुम्हारे दिल में कुछ है क्या? नहीं है तो बोल दो। अगर ना भी है तो भी हाँ बोल दो ना, सुन के खुशी के मारे जान दे। चुप। चलो हाथ से शुरुआत तो हुई। अरे ये क्या कर रहे हो? मार दूंगी। हाँ मारो मारो, मार खाने की तो आदत पड़ गई है। और मार खाते खाते मर ही जाएंगे ना, एक ना एक दिन तो जाना ही कब्र। बाबा
वाओ फैंटास्टिक कोकीन चरस गांजा क्या कीमत होगी इसकी? कम से कम 15 लाख तो होगी। नहीं बेटे, 15 नहीं 20 लाख, और मार्केट तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत हो जाएगी 25 लाख। और एक बार दामू के फार्म पर चरस की फसल तैयार हो जाने दो, फिर लाखों नहीं करोड़ों कमाएंगे। क्यों दामू? ये आखिरी फसल होगी रघु, इसके बाद मेरे फार्म पर चरस अफीम कुछ नहीं उगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा वापस आ रहा है। तेरे साथ धंधा करने में यही तो तकलीफ है, बेटे से डरता है। अरे बेटे ऐसे होने चाहिए ये, जो बाप जैसे हो, बाप के नक्शे कदम पे चलें। एक तेरा बेटा है। ए, मुझे जो कुछ कहना था मैं कह चुका हूँ, कल तक जगह साफ हो जानी चाहिए, बिल्कुल समझे? रामू तुम्हें मालूम है हमारे बिजनेस में माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं चलता, यहाँ सिर्फ एक ही चीज चलती है और वो है पैसा। इसलिए हमारी राय है कि तुम अपने बेटे को संभाल लो, अगर कहीं हमने उसे संभाल लिया तो हमारे संभालने का तरीका तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपके संभालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी के साहब, मैं खुद ही संभाल लूंगा। हैव अ वेरी सेफ जर्नी। थैंक यू। जो आवाज मेरे बेटे को धमकाएगी वो इसी तरह खामोश कर दी जाएगी। और गले की खराश के लिए स्ट्रैप सिल्क लीजिए, स्ट्रैप सिल्क। कुछ फर्क पड़ा? आपने तो वाकई मेरा गला ठीक कर दिया, वरना आज रात का मेरा शो कैंसिल हो जाता। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसके बदले में आपको जो मांगना है मांगिए। क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। तो लाइए आपका हाथ मेरे हाथ में दीजिए। ये साहब के बारे में क्या ख्याल है? बहुत भारी है रे। कट कट रट। अरे ये क्या कर रहे हो जॉन, तुम देख नहीं रहे हो गले की दवा की शूटिंग हो रही है और तुम यहाँ बीच में? अरे लेकिन इसने तुम्हारा हाथ क्यों मांगा? अरे हाथ मांगा तो क्या हुआ? अरे मेरे होते हुए तुम्हारा हाथ मांगा है? मेरे तो खानदान की नाकी काट डाली ना। ओए होए होए, तो फिर आज तक तुमने खुद मेरा हाथ क्यों नहीं मांगा? वही तो मांगने आया हूँ। कैमरा, स्टार कैमरा। सुनो, देखो अपुन बहुत गरीब आदमी है, अपुन के पास नोटों का दौलत नहीं है, लेकिन इसका भंडार है। साला तुमको रानी बना करके रखे, लोगों को तो अपुन टेबल पे बिठा के खाना खिलाता है, तुमको इधर दिल पे बिठा के खाना खिलाए। एक बार हाँ बोल दो। क्या करें, सब सुन रहे हैं ना? हाँ बोल दो नहीं तो सबके सामने पप्पी ले लेगा तुम्हारा। अरे हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं, प्यार से मुस्कुरा के। हाँ हाँ, कल घर आकर माँ से मिल लेना। अरे साला मैं तो भूल गया। अरे चल 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 जल्दी कर। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे? अरे मेरा दोस्त लंदन से आ रहा है, वो बहुत देर हो गई है, तू अपनी फटपटी आ, मुझे एयरपोर्ट छोड़ देना। मैं तेरी तबीयत साफ हो जाएगी, चल। मैं कपड़े तो बदल लूं। विक्रम,
पिताजी। ओ पिताजी। वेलकम। थैंक यू डैड। बेटे ये शराब वो विदेश में कभी कभी गम गलत करने के लिए पी लिया करता था, अब तो आदत सी हो गई। पिताजी वो मेरा दोस्त जॉनी नजर नहीं आ रहा। किधर घुसता है, चलो तुम्हारा लाइसेंस दिखालो। लाइसेंस? हाँ हाँ तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ हमको। चलो साहब। कुछ नहीं, सलाम बलाम कुछ नहीं, लाइसेंस दो। जाने दो साहब थोड़ा जल्दी। नहीं नहीं कुछ नहीं। जॉन तुम जाओ, मैं बाइक पार्क करके आती हूँ। पिताजी एक मिनट, जॉन आता ही होगा। बेके! आ गया। बेके! अरे साला जॉन तू किधर रह गया था यार, हम समझा तू आएगा ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है यार, सदियों बाद मेरा दोस्त था, उससे मिलने नहीं आऊंगा। तरस गई तुझे देखने के लिए मेरे दोस्त। यार तेरे मिलने की खुशी में एक एक खूट मार। तू शराब भी पीने लग गया? यार तुम लोगों तो शराब को हवा बना के रखती, शराब ही पी रहा हूँ, कोई जहर थोड़ी पी रहा हूँ। चलो बेटे जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। ठहरिए पिताजी ठहरिए, आप क्या जाने दोस्ती क्या होती। यार मैं तो समझा था कि तू बड़ा आदमी हो गया है, मुझे पहचानेगा ही, लेकिन साला तू बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। देख यार देख, आज रात को अपने घर में एक पार्टी है और तू उधर आ रहा है। यार मैं कैसे, मैं नहीं। कैसे वैसे किया ना तो सारा आज रात की पार्टी कैंसिल और मैं उधर शराब तोड़। अच्छा अच्छा बाबा, लेकिन यार वो मेरी एक गर्लफ्रेंड है, चला सकता हूँ? सारा पूछता है, लेके आना, हम भी तो देखे मेरे दोस्त की पसंद कैसी है। पसंद है? साले तू उसे देखता ना तो पहले ही उसे पसंद कर लेता। अब चलो भी विक्की, बहुत देर हो चुकी है। अच्छा चलता हूँ यार। अरे हाँ वो जूली कैसी है यार, वो तो काफी बड़ी हो गई होगी। हाँ बड़ी भी हो गई और खूबसूरत भी हो गई। हाँ शाम को पार्टी मिलेगी उसको, आना नक्की। हाँ नक्की नक्की। तू ये ले मेरे दोस्त, देख चल बैठ। तुम्हारा दोस्त मिला? हाँ मिला ना, वो क्या जा रहा है, थोड़ा जल्दी में था इसलिए चला गया। शाम को उसके घर में पार्टी है, तुमको भी बुलाया। मैं कैसे आ सकता, मेरा तो शाम का प्रोग्राम है होटल में। अरे छोड़ ना, मेरा दोस्त आया एक दिन कैंसिल नहीं कर सकता। अरे मेरा होटल वालों के साथ एग्रीमेंट है, एक शो भी कैंसिल नहीं कर सकती। ठीक है तुम अपना होटल का एग्रीमेंट निभाओ, अपन अपने दोस्त के साथ जो दोस्ती का एग्रीमेंट किया ना उसको निभाएगा। चलो जूली प्लीज जूली जल्दी नीचे आओ। मिसेस गोम्स। यस माय सन। यस ये मंगनी का टाइम इतना टाइम वेट करने को पड़ता है, फिर शादी का टाइम तो पूरा लाइफ वेट करने को पड़ेगा। अरे बाबा लड़की है, तैयार होने को थोड़ा टाइम लगता है। आंटी आंटी सॉरी आंटी लेट हो गया, वो अपने दोस्त का प्लेन था ना वही देर में आया। पर आंटी क्या लगता है अपना दोस्त साला बिल्कुल अंग्रेज। अरे वो तो ठीक है बाबा, तुम जूली को लेकर जल्दी नीचे आओ, रॉड्रिक दो घंटा से बैठा है, वो नीचे आता ही नहीं। अरे कैसे आएगा आंटी, शादी का मामला थोड़ा शर्माता है ना। तुम फिकर मत करो, हम अभी लेके आता उसको। थैंक यू। तुम बैठो। रॉड्रिक्स तुमको ये आता है? ये क्या? अरे गोटी, गोटी खेलना आता है? वो गोटी गोटी आता है, बचपन में खेला था ना, बराबर है, शादी के बाद भी खेलना पड़ेगा इसीलिए पूछता है। जूली ले इधर बैठी। अरे उधर तेरे को एक लड़का मिलने को आया, चल। ये तो रो रही है। मेरे को उसके साथ शादी नहीं करने का। अरे शादी नहीं करने का है तो मत कर, पर रोती काय को है? ए, तेरे को किसी के साथ ऐसे शूशे का चक्कर तो नहीं? कौन है वो, क्या नाम उसका? अरे ये तो अपना विक्की है। तेरे को इसके साथ कब से प्यार हो गया? हाँ जब मैं इतनी सी थी। वाह वाह बहुत जल्दी बताया। हाँ अरे तभी बताया होता तो उसी वक्त शादी करके तेरे को लंदन भेज देता उसके साथ।
तभी तभी मैं बोलूं ये यार मेरा तेरे बारे में घड़ी घड़ी क्यों पूछता है। जूली कैसी है, कैसी दिखती है, एयरपोर्ट क्यों नहीं आई, आज शाम को पार्टी में जरूर लेकर आना। सच्ची? कितनी बड़ी पाइगोट उसने मेरे को पार्टी में बुलाया। हाँ और नहीं तो क्या, अपन को लगता है उसको तेरे में इंटरेस्ट है। चल आज शाम को तेरी सगाई की बात उसे करी डालता हूँ मैं। सच्ची? हाँ। दामोदर साहब, इनके लिवर पर सूजन है, अगर इन्होंने शराब बंद नहीं की तो सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाएगा, उसके बाद आप खुद समझ सकते हैं क्या हो सकता है। सुन लिया तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर लोग तो यूं ही खामोखा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं पिताजी। जिंदगी इंसान को लाती है, मौत ले जाती है, ये शराब बीच में कहां आती है। तो तुम शराब नहीं छोड़ोगे? नहीं पिताजी, जब तक वो है छोड़िए। ठीक है, पियो जितना जी में आता पियो, जब तक तुम शराब नहीं छोड़ोगे मैं इस घर में नहीं आऊंगा। विक्की की तबीयत कैसी है भाई साहब? अब इस विक्की अंकल। नमस्ते सेठ जी, विक्की की तबीयत अब कैसी है? फिलहाल तो ठीक है, इसी तरह पीता रहा तुम जानते हो क्या हो सकता। तुम उसको दोस्त कहते हो ना अपना, जाओ समझाओ उसे, जाओ। जूली तू यही ठहर। विकी। हाय हाय जॉनी, आ जा। लेकिन ठहर, अगर तेरा कोई भाषण वोषण देने का इरादा हो ना तो साला भूल जा। भाषण नहीं, तुझे समझाने आया हूं। क्यों इतनी शराब पीता है, ऐसी कौन सी बात है जो? फिर वही बात विक्की, तुझे मेरी कसम क्या बात है, किस चीज की कमी है तेरे पास? सब कुछ तो है, फिर ऐसी कौन सी आग तेरे मन में लगी जिसे बुझाने के लिए तो दिन रात शराब पीता रहता? बोल। इश्क जानी, इश्क जिस चीज का नाम है ना वो बड़ी जालिम होती है, या तो आंसू रुलाती है या शराब पिलाती है। इश्क, इश्क। लंदन में एक लड़की मिली थी, तू भी देख ले। यही है वो लड़की जो मुझे शराब में डुबो कर चली गई, है ना कोई चीज? अगर तू इसे पहले देख लेता तो तू इसे पसंद कर लेता, है ना जॉनी? विकी, अगर ये लड़की दोबारा तेरी जिंदगी में आ जाए तो क्या तू पीना छोड़ देगा? अरे पीना तो क्या दोस्त, मैं तो जीना छोड़ दूंगा। नहीं विकी, तू सिर्फ पीना छोड़, मौका आया तो जीना मैं छोड़ दूंगा। छोड़ यार जॉनी, अब ये लड़की अपनी जिंदगी में कहां आने वाली? और अगर आ गई तो? तो तू जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। तू जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। मेरे दोस्त, वक्त से पहले और नसीब के बाद कोई चीज अगर तेरे पास देने को हो तो मुझे दे देना। ए, ये जूली है ना? अरे बाप रे, कितनी बड़ी हो गई। अरे जूली तू बाहर खड़े खड़े क्या कर रही, अंदर आना। नहीं, अब मेरा बाहर रहना ही ठीक है। हा? कमाल है। मैं इतनी देर से पूछ रहा था जूली कहाँ है। तू रो रही है? अरे नहीं 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 नहीं, घबराती है। डॉक्टर तो यूं ही कहते रहते हैं। अरे मैं क्या इतनी जल्दी मरने वाला हूं, अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ करना है। देख, सबसे पहले तो तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना, फिर तेरी धूमधाम से शादी करानी। हाँ?
जबान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। डोली थोड़ी लेके जा रहे जो इतना रो रही हो। अरे पागल, रो नहीं रही हूँ, दिखता नहीं, मैं प्यास काट रही हूँ। वैसे दीदी, खाना बनाना तुम्हारे बस का काम नहीं, तुम गाना गाते ही अच्छी लगती हो। एक बात बोलूं दीदी, क्या लड़का पसंद किया, हाय 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 हाय, क्या जोड़ी रहेगी। दीदी सिंगर,
जीजा वेटर, घर में ही 5-star होटल। बकबक मत कर, चल जाके देख, शायद वो आ गए। अभी गई। फिर आशा के नाम चिट्ठी आई है। होने वाले जीजा जी तो नहीं आए, लेकिन ये चिट्ठी आई है तुम्हारे लिए। लेकिन तूने मेरे साथ मंगनी की है। अरे तोड़ दिया मंगनी मैंने, चार छोड़ दिया तेरे को। मेरे को ऐसा औरत नहीं चाहिए तो 24 घंटे पांव में रस्सी बांध के रखे। अपन को ऐसा औरत चाहिए घर में बैठे मैं क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, क्या लफड़ा करता हूँ, कुछ पूछने का नहीं है, समझा? ऐसी औरत तेरे को 10 जन्म में नहीं मिलेगी, समझा? अरे नहीं मिले तो टाइम पास करने को हजारों मिल जाती, बस चलेगा। इसका मतलब तू आशा के साथ भी वही करेगा जिस तरह मेरे को बर्बाद किया उसको भी बर्बाद करेगा? अरे काय की बर्बादी, उसको अपने में इंटरेस्ट है, अपन को उसके पैसे में इंटरेस्ट है। जिस दिन पैसा खत्म उस दिन खेल खत्म, बस अभी अपन जाता है, समझा? मिल गया पैसा, अब तुम्हारा खेल खत्म। आशा, आशा तुम यहाँ कब आई? सब सुन लिया मैंने, छोड़ दे मेरा हाथ। तुम भी किसकी बातों में आ रहे हो, उसका तो दिमाग खराब है। आज तेरी जिंदगी में नई लड़की आ गई तो मेरा दिमाग खराब हो गया। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। मरती तुम्हारे देना। क्या कर रही तू? मुझे मर जाने दो, छोड़। तेरा दिमाग खराब हो गया? मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने, मर जाने तू, दिमाग खराब हो गया तू? एक हाथ आप यहाँ? मैं जॉनी से मिलने आई थी। जॉन से? आप जॉन को जानती? पहले नहीं, आज आज जान गई हूं उसे। जान गई हूं कि इस दुनिया में लोग कितने चेहरे लगाकर घूमते हैं। अरे यार विकी, तू यहां क्या कर रहा है? अरे यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूं यार कि ये क्या हो रहा है, क्या तमाशा लगा रखा है? जूली कुएं में कूद कर जान देने जा रही थी और ये कह रही है कि? अरे सब गले पड़ने वाले धंधे हैं यार, बचपन में कुछ वादे किए थे, ये जरूरी है कि बड़े होकर उन्हें निभाया जाए। मगर ये तो बोल, क्या वादे किए थे तूने, बोल ना। हाँ हाँ बोलता हूँ, चिल्लाती काय को है? किसी के बाप की चोरी थोड़ा ना की है। अरे तेरे साथ मंगनी की थी ना, फिर ये जरूरी है कि जिसके साथ मंगनी की उसी के साथ शादी करूँ? जरूर करनी पड़ेगी, ये कोई विलायत नहीं है। जहाँ मंगनी किसी से की और शादी किसी से, यहाँ जिससे मंगनी होती है उसी से शादी करनी पड़ती है। ऐसा कानून की कौन सी किताब में लिखा है? एक मिनट, एक मिनट, तू जूली से प्यार करता था, तूने उससे मंगनी भी कर ली, जॉनी तूने कभी मुझे बताया नहीं। अरे इसमें बताने का है क्या, ऐसे लफड़े तो अपन 500 बार किया है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि हर फालतू लफड़े के बाद तेरे को चिट्ठी लिखता फिरूं। अरे ये कोई फालतू लफड़ा है, ये कोई फालतू लफड़ा है, इसे लफड़ा कहता है तू? अरे ये जूलिया को राह चलती ऐसी वैसी लड़की नहीं, भूल गया बचपन में इसकी माँ ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, माँ का प्यार दिया है तुझे, उस औरत ने कभी तुझे माँ की कभी महसूस नहीं होने दी और तू इसे फालतू लफड़ा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो प्यार की कीमत चुका देगा इसकी। प्यार की कीमत चुकाएगा? अरे प्यार दोस्ती इन बातों की तेरे नजरों में कोई कीमत है? क्या कीमत, क्या कीमत है? आए हमने तो जब से होश संभाला यही देखा है कि दिल, प्यार, दोस्ती, मोहब्बत, जज्बात सबका सब सला ढोंग धतूरा है। मतलब की दुनिया है प्यारे, अपना मतलब निकालने के लिए लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, प्यार करते हैं, दोस्ती करते हैं, जिस दिन मतलब निकल जाता है ना सब कुछ सला खत्म हो जाता है। इसका मतलब कि अपनी दोस्ती भी किसी मतलब से? ए, जाना है अभी सला, मैं कुछ बोल दूंगा ना खामखा आग लग जाएगा तेरे को। अरे बोल बोल बोल, उकल दे जितना जहर अपनी जुबान पे उकल, बता क्या कीमत है मेरी दोस्ती की तेरी नजर में, बता। देख गुरु, इसको छोड़ के अपन आशा के साथ इसलिए दोस्ती किया है कि ये गाती है, चार पैसे कमाएगी साली, अपन को देगी, अपन भी ऐश करेगा।
आज इसको अपनी असलियत का पता चल गया तो अपनी जूती से समंदर में बहुत मछली मिलती है, कोई दूसरी पांच लोग। तेरे से इसलिए दोस्ती किया कि तू बड़े बाप का बेटा है, माल वाला है। तो जैसे बेड़े को दारू पिला गया अपन, उसके बाद सारा माल अपना, अपने पास भी बंगला होगा, गाड़ी होगी, अपन सला ऐश करेगा, मौज उड़ाएगा, सब कुछ। जलील खुदगर्ज, मैं सारी जिंदगी तुझको अपना दोस्त ही नहीं अपना भाई समझता, लेकिन तू मेरी दोस्ती तो एक तरफ, मेरी दुश्मनी के लायक भी नहीं। आप चल रहे हैं। दिल की गली से बच के गुजरना, दिल की गली से बच के गुजरना, ये सोच लेना फिर प्यार करना, ये सोच लेना फिर प्यार करना, आशिकी इम्तिहान लेती है, आशिकी इम्तिहान लेती है, आशिकों की जान, आशिकों की जान, आशिकों की जान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। तुम्हारा कुर्बानी देखकर गॉड का आंख में भी पानी आ गया होगा। प्यार की इस कुर्बानी के सामने मेरे दोस्त की जिंदगी कहीं ज्यादा कीमती है। आशा जी, आप कहीं ये तो नहीं सोच रही कि अभी जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, या फिर मैंने कोई नाटक करवाया है? ये मेरा बचपन का दोस्त था, लेकिन आज उसने कैसी बातें की, कितनों के दिल एक साथ तोड़े। प्यार और दोस्ती में अक्सर इंसान धोखा खाता है। मिस्टर विक के समझ में नहीं आता किसे दोस्ती करें किसे नहीं, किस पर भरोसा करें किस पर नहीं। बस यही रोक लीजिए। शुक्रिया। मिस्टर विकी, आप एक अच्छे आदमी हैं, और एक अच्छे आदमी के हाथ में शराब की बोतल अच्छी नहीं लगती। क्या समझते इस दुनिया में तेरे बगैर जॉनी का कोई नहीं है? तेरे बगैर जॉनी मर गया? नहीं नहीं, जॉनी का दिल अब पत्थर के माफिक हो गया है, अभी इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है, समझा? अरे तेरा माफिक अपन के पास रोज 500 आती है 500 जाती है। सला तुम इंडियन होकर के इतना भाव खाते हो, अरे अपन तो विलायती को भी लिफ्ट नहीं दिया। बोला थी क्या
देख आना है तो आ नहीं तो हाँ जी हाँ जी फाइनल एकदम फाइनल पूछता है फाइनल कमिंग नॉट कमिंग ओके ओके क्या बोला आई कमिंग कमिंग अपुन आ जाता है अपुन का क्या जाता है चलो आ गया अपुन भी आ गया खुश चल खुल जा खुल जा रे अरे खुल अबे खुल तेरी तो खुल गई खुल गई ऐ शाबाश कितना पिएगा जॉनी कितना पिएगा अरे पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे आंटी वाह भर लीला नहीं देगा अरे देना आंटी ओह इतना दारू पी के तो फाइटिंग को जाएगा अरे आंटी यही तो अपन का दवा है इसको पी के चोट का पता ही नहीं चलता है ना अंदर की चोट का ना बाहर की चोट का ढंग का बॉक्सर लेके आ स्कूल के बच्चे को कहां से पकड़ के लेके आया इस बच्चे से लड़कर अगर तुझे अपना बाप न याद आ जाए तो मैं अपनी बाप की औलाद नहीं मैं वो भाई भाव बढ़ाओ कहीं मरवाएगा तो नहीं हाँ हाँ भाव बढ़ाओ एक का दस ओके सनी भाई 10-1 एक का दस डन हाँ हाँ डन मैं काम करता हूं
अभी आया तू? बस थोड़ी देर पहले। कौन शांति ने बताया कि तुम इधर सो? पास हुआ कि नहीं? पास हो गया। पास हो गया। हो गया। बोतलाई, बाटले ना बाटले। बाटली? नहीं भैया, तुम सीधा कर चलो, सीधा कर दो तुम। अरे बाटले ना साला, अरे तुम्हारा पास होने का खुशी में हम दारू पिएगा। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना भैया? पहले अपने मोहल्ले में कोई शराब का नाम भी लेता था तो तुम उसे सामने खड़े नहीं हो देते थे, पर आज खुद तुम शराब के नशे में इस कदर डूबे हुए हो तुम खड़े नहीं हो पा रहे। तू मेरे को भाषण देता है? नहीं भैया, भाषण नहीं दे रहा, बल्कि समझा रहा हूँ। अपने आप को इन लोगों के सामने जलील मत करो। जलील? साला मेरे को जलील बोला, मुझको गाली दिया है? मैं गाली नहीं दे रहा हूँ भैया, भला मैं आपको गाली दे सकता हूँ? मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। कौन होता है मुझको समझाने वाला? साला इतना से इतना बड़ा किया, अभी मेरे को गाली देता है? साला जलील बोलता है सबके सामने, भाई साहब अपना इज्जत करता है, अपना भी कोई इज्जत है कि नहीं? गाली देता है, मरे जाता जा, नहीं जाता घर। साला पीछे करता जा रहा है, चल जा। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, जान हुआ आवारा, सुबह का निकला तारा। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। ए, तू क्या समझ रहा है बे? मैं शराब पी रहा हूँ? साला धुआं खींच के अभी चल जा। तूने नहीं पी, हाँ मैंने पी है। तूने नहीं पी, हाँ मैंने पी है। जिसने भी पी ये आदत बुरी है। बहुत हो चुकी दुनिया सो चुकी, अब मान जा नहीं, सर फोड़ता हूँ। चल मेरे भाई, बहुत हो गया। चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। क्या? मैं नशे में हूँ। जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। भला या बुरा तुम ही समझना, तुम पे फैसला ये मैं छोड़ता हूँ। चल मेरे भाई, अबे बोला ना जैसा। चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। टैक्सी वाले ने बिना बैठाया,
साला घुसते चला जा रहा है। बड़ा होके छोटे में रोक डालता है। हाँ नहीं आता है ना, नहीं आता है ना, तो जा, मैं भी नहीं जाता। कट्टी बोलिए ना, कट्टी कट्टी कट्टी। तू जाने मन है जाने जिगर है, चल मेरे भाई आगे ना लाइन पे, चल चल मेरे भाई, 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 चल चल मेरे भाई साहब। ये है मेरी बेटी आशा। नमस्ते। नमस्ते बेटी। पैर छुओ बेटी। जीती रहो बेटी। बेटी तुझे देखकर तेरे बाप की याद आ गई। वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरे भाई जैसा था। हम दोनों दो जिस्म थे लेकिन जान एक थी। काश आज जग्गी जिंदा होता और ये देखता कि उसकी बेटी मेरे घर में बहू बन के आ रही और हमारी पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही। ले बेटी शगुन। जी मैं ले लो बेटी, लेकिन मां ले। शगुन है बेटी, शर्म मत करो। अपनी शादी की बात सुनकर शर्मा गई है। आप बैठिए ना, मैं भी आई। जी नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। हाय। कितने लगा दी तुमने? बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब शगुन हो गया, घर जाके दोबारा आना पड़ा। थैंक यू। कौन है बेटी? माँ ये नमस्ते। ये इनकी और मेरी, मैंने कहा था ना कि शगुन नहीं रहा है, मैंने सोचा कि दीदी और मेरी शादी। अच्छा अच्छा, आओ बेटा बैठो। भाई साहब आज का दिन कितना शुभ है, मेरी दोनों बेटियों के लिए रिश्ते आ गए। लो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी सर। सनी। मैंने तुमसे नहीं, इनसे पूछा है। तुम्हारे माँ बाप? जी जी वो नहीं है जी, सिर्फ एक बड़े भाई साहब हैं। वो क्या काम करते हैं बेटा? जी वो होटल में उनका होटल का बिजनेस है। अच्छा अच्छा। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? जॉन। जानी जनार्दन? जी हाँ। आप उनको जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से, मेरे होटल में वेटर का काम करता है। वाह बहन जी वाह, कितना बड़ा दिल है आपका। वरना आजकल के जमाने में लोग जरा सी गलती करते हैं तो लोग उनसे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं, और एक आप है कि अपने पति के कातिल के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ रहे हैं। बहुत महान है आप। ये आप क्या कह रहे हैं? पूछिए से, तुम नामदेव के बेटे हो ना? हाँ। तो नामदेव वही खूनी है जिसने हमारी बहन को विधवा बनाया, इन बच्चों को यतीम कर दिया। क्या? तो ये
बहन जी नमस्ते, शादी की तारीख पक्की होते ही इतला कर दूंगा। आग तो आप लगा ही चुके हैं, धुआं भी तो देखते जाइए। मैं यहां धुआं देखने नहीं आया, बहू देखने आया था। चले जाओ यहां से, मेरी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है माँ? आज से 20 साल पहले जो कहानी खत्म हो चुकी उसे आप क्यों दोहराना चाहती हैं? मैं नहीं दोहरा रही हूँ, इसने यहाँ आकर उस कहानी को फिर से दोहराया है, पुराने जख्मों को फिर से कुरेदा है। इसे कहो कि यहाँ से चला जाए। क्यों चला जाए? अगर इसमें कोई बुराई होती तो मैं खुद इसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती। और अगर तुम पुरानी बातों की वजह से रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। इसका मतलब तू अपने बाप के कातिल के बेटे से शादी करना चाहती है? क्या सबूत है कि मेरा बाप कातिल है? जाओ, जाकर सारी दुनिया से पूछो, पुलिस के रिकॉर्ड जाकर देखो। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, पुलिस के रिकॉर्ड भी देखूंगा और उसका जवाब भी ला कर दूंगा। मार डालो इसे जी। लेकिन डॉन, किल हिम। लेकिन इसने तो अपनी हार मान ली। आई से किल हिम। नहीं, हार जाने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं। हमारा हुक्म ना मानने वालों के लिए भी यहां कोई जगह नहीं। तुम्हें नई जिंदगी हमने दी थी, उसे वापस लेने का हक भी हमारा ही है। डैडी, डैडी, हिंदुस्तान से एक बहुत बुरी खबर आई है। क्या? हमारे चीफ एजेंट के हेलीकॉप्टर ब्लास्ट में मारे गए। व्हाट? हाँ, और शक है कि इसमें दामोदर और रघुवीर का हाथ है। दामोदर और रघुवीर? हाँ, दामोदर और रघुवीर तुम्हारे पुराने दोस्त। मेरे दोस्त जिन्होंने लॉटरी के टिकट के लिए मुझे खून के इल्जाम में फंसा दिया। नामदेव, तुम हिंदुस्तान जाओगे और केके की मौत की छानबीन करोगे। तो मैं हिंदुस्तान कैसे जा सकता हूँ? वहां की पुलिस तो अभी तक मुझे तलाश कर रही है। तुम नामदेव नहीं, डॉन बनकर वहां जाओगे। डॉन, मैं हिंदुस्तान जाने के लिए तैयार हूं। और तुम्हें याद है ना हिंदुस्तान जाके तुम्हें क्या कहना है और क्या करना है? मैं हिंदुस्तान में केके के कातिलों को सजा देकर अपने रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करके वापस आ जाऊंगा। गुड। आता ये डॉन खबर की बगैर हिंदुस्तान कैसे आ गया? यार वो आना तो ठीक है, मगर मैंने तो आज तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी। तूने देखी? नहीं, मेरे ख्याल अपने बिजनेस वालों में से किसी ने नहीं देखा उसको आज तक। ठीक है, फिर आज देख लेते हैं। हाँ चलो। Fabulous. Good morning, sir. जी, मैं दामोदर। मैं रघुवीर। गलत, तुम रघु, तुम दामो। कपड़े बदलने से आदमी की असलियत नहीं बदल जाती। तुम टांगे वाले, तुम फोटोग्राफर है ना? सर, ये सब आपको कैसे मालूम पड़ा? सर, हम अपने धंधे में जिस किसी के साथ ताल्लुक रखते हैं उसकी अगली पिछली सारी जिंदगी का हिसाब किताब अपनी किताब में रख लेते हैं। तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, हमें सब मालूम है। लेकिन सर,
क्या क्या है हम लोगों ने? सब पता चल जाएगा। आज तो हमारी मुलाकात की शुरुआत है। अभी तो चक्कर शुरू हुआ है दोस्तों। दूसरों को चक्कर देने वाले कभी खुद भी चक्कर में फंस जाते हैं, है ना? कैसे कैसे चक्कर? ऐसे तो बहुत तरह के चक्कर हैं। सबसे पहले ले लो चक्कर नंबर एक, खैर भूल जाओ। चक्कर नंबर दो, केके का चक्कर। के का खून हमने थोड़ी किया। आज तक किसी खूनी ने कहा है कि खून उसने किया है। दुनिया का सबसे सयाना मुजरिम खून खुद करता है और उसका इल्जाम किसी बेगुनाह के सर डाल देता है, है ना? लेकिन हमने वाकई केके का खून नहीं किया। चलो, किया नहीं किया ये साबित करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। फिलहाल कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। यस इंस्पेक्टर, क्या बात? हमें पता चला है कि इस मकान का मालिक एक बहुत बड़ा स्मगलर है। कहाँ है वो? हमें नहीं मालूम साहब, हम तो यहाँ के नौकर हैं। वो कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम साहब। तुम लोगों के पास उसकी कोई तस्वीर है? वो रही साहब उनकी तस्वीर। अब्दुल, दादा पाव वाले को बोल देना कल सीधा सीधा हिसाब करके आवे, हमको लफड़ा नहीं मांगता है। ये रुस्तम सेठ का होटल है, समझे? सलाम साहब, एक पैकेट सिगरेट देना। अच्छा, ये लो सिगरेट पैकेट। इनका बोलो कितना? अच्छा लो भाई, बिल लाओ। रुस्तम, रुस्तम बिल लो। कैसी बातें करती हो मिसेस गोम्स? बिल और आपसे नहीं? अच्छा बाबा, माहिम चर्च से माला लाई हूँ, नाम दो के फोटो पर चढ़ा दो। अच्छा, माफ करना साहब, माफ करना। ये अपने सेठ को देना और बोलना कि अगला पिछला हिसाब बराबर। सेठ, नामदेव जिंदा है। क्या? हाँ सेठ, अभी अभी ये रुपये देकर गया है और उसके हाथ में मैंने तीन अंगूठियां भी देखी है। एक वर्षा नामदेव, मिसेस गोम्स आंखें खोलो, आंखें खोलो, होश में आओ। भगवान के लिए होश में आओ और मुझे बताओ कि मेरी बीवी और बच्चे जिंदा हैं या नहीं। आइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब इनको होश में ले आइए, जितनी जल्दी हो सकता है होश में ले आइए। आप इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कर देते तो? नहीं डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में नहीं, आप इनका इलाज यहीं करिए। जिस दवा की, जिस इंजेक्शन की, जिस चीज की जरूरत होगी मैं फौरन मंगवा दूंगा। जैसी आपकी मर्जी। मैं रुस्तम बोल रहा हूँ, एक खुशखबरी है, अपना नामदेव वो जिंदा है। नामदेव तो मर चुका है। अरे सेठ जी, अभी अभी मेरे होटल से गया जी। लेकिन सुनो रुस्तम, ये बात किसी को बताना मत, वरना पुलिस फिर बेचारे के पीछे पड़ जाएगी। क्या बोल रहा हूँ? अच्छा सेठ जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या हो रहा जी? हम जैसे डाउन समझ रहे हैं, डाउन नहीं, हमारा पुराना दुश्मन नामदेव है। नामदेव? कुछ करना पड़ेगा, मैं भी दामू को खबर करता हूँ। डैडी,
हाथ में आया मौका गवा रहे हैं। क्या मतलब? याद है उस दिन मैंने कहा था कि आज तो फार्म को सफाया कर देते हैं, लेकिन वक्त आने पर दामू और उसके बेटे का भी सफाया कर देंगे। आज वो वक्त आ गया है। ये ठीक है डैड, अगर नामदेव के साथ साथ दामू अंकल को भी, कैसा रहेगा? मेरी शादी जूली के साथ? ये अपने शादी के कार्ड में तुमने ये क्यों छुपाया? जॉन, हमारी दोस्ती में दरार पड़ चुकी है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हमारी बचपन की दोस्ती भी खत्म हो गई। याद है हमने वादा किया था कि हम दोनों एक ही दिन शादी करेंगे, तो बस मेरे दोस्त आज मैं अपना वादा निभाने आ गया हूँ। तुम अपना वादा निभाओ ना निभाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन बेगी तुम समझते क्यों नहीं, मेरी यह शादी इस तरह नहीं हो सकती। याद है एक दिन तुमने कहा था कि दोस्ती इम्तहान लेती है ना? तो आज तुम्हारा इम्तहान है दोस्त। बस मेरे दोस्त, इतना याद रखा कि दोस्ती इम्तहान लेती है, ये भूल गए कि दोस्ती दोस्तों की जान भी लेती है। सामने फोन पे वेंकी विकी मिस्टर वेंकटेश विकी, एक मिनट यार, वो लगता तुझे शादी अकेली करनी पड़ेगी। हा? जूली का पता नहीं चल रहा, ना जाने कहां चले गई, सारा शहर छान मारा। दुल्हन को शहर में नहीं लग्न मंडप में तलाश करते हैं, वो कब की आकर ऊपर तैयार हो रही है। क्या जूली यहां है? जी हां, यकीन नहीं आता ना, अपनी आंखों से जाकर देख लो। मेरे एडवोकेट विंकी मिस्टर वेंकटेश्वरन से कांटेक्ट कर लें आप, फिर डॉक्टर अजय कोठारी और डॉक्टर शरद पांडे के साथ मिलकर वो जमीन की डील फाइनल कर। जी हाँ, मैं शादी के बाद बाहर जा रहा हूं। जूली, जूली, ये दुल्हन के लिबास में यहां क्या कर रही हो? जूली, हम ये शादी कैसे कर सकते हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि उस दिन हमने विकी और आशा के दिलों में अपने खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए ढोंग किया था, दोस्ती खो दी, प्यार की कुर्बानी दे दी। चल अब चल, चल ये महफिल और ये जगह अब हमारे काम की नहीं। चल आशा, ये महफिल और ये जगह तुम्हारे ही काम की है। तुम यहां? हाँ, तुमने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी है ना? वहां जूली ने भाई बहन के रिश्ते को कलंक से बचाने के लिए अपने आप को क्या किया जूली ने? चलो मेरे साथ। जूली, जॉनी, जूली, क्या हुआ इसे? जान देने जा रही थी, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता शायद ये आज। जान देने जा रही थी? अरे सालो, तुम लोगों ने तो मेरा भाव ही बढ़ा दिया। एक लड़की जो बचपन से मुझे प्यार करती है, मेरी जान बचाने के लिए उसने इतना कुछ किया कि उसकी जान पे बन गई, और तुम मेरे दोस्त, तुमने अपना सब कुछ लुटाकर भी मुझे बचा लिया। जॉनी, इतना प्यार मत दो कि मेरा कलेजा फट जाए। मौत मुझसे मेरा दोस्त छीनने आई थी,
उसे नहीं मालूम कि जॉनी की जान लिए बगैर मौत उसके दोस्त की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकती। अरे पगले, जिसके सर पे तुझ जैसे दोस्त की दोस्ती का साया हो, उसके लिए बनकर आई मौत उसके दुश्मनों की मौत बन जाती है। मुझे इस लड़की का प्यार मिल गया तो यूं समझो मुझे दुनिया मिल गई, जन्नत मिल गई। हाँ दोस्त, आओ मेरे दोस्त। आज मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपता हूं। अरे विकी भैया, आपने इनका चक्कर तो चला दिया है, आप कुछ ऐसा चक्कर चलाइए जिससे मेरी अमानत मुझे सौंपी जाए। फिकर मत करो बेटे, मेरी छोटी लड़की की शादी होगी तो तुम्हें से होगी। लेकिन आपने तो उस दिन कहा था कि... गलत कहा था। जो लड़के अपनी दोस्त के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं उनका बाप कभी खूनी नहीं हो सकता। तुम शादी की तैयारी करो। क्या बात है बेटे, किसकी शादी अब किसके साथ हो रही? पिताजी, मैं आशा से नहीं बल्कि जूली से शादी कर रहा हूँ। जूली से? जी पिताजी। तुम लोगों ने शादी को मजाक बना रखा, एक से तय की दूसरे से कर ली। सुन लो विकी, तुम्हारी शादी आशा के साथ होगी। पिताजी, पिताजी, पिताजी मेरी बात तो सुनिए। पिताजी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? रघु का बेटा ऊपर। अशोक किम को देख।
दोनों को अंदर ले जाकर बांध दो। तुम यहां कैसे आए? मेरे दोस्त को यहां क्यों लाए? ये मेरा जाती मामला है। जो मामला मेरे दोस्त से संबंध रखता वो तुम्हारा नहीं, मेरा जाती मामला है। तो तुम उसे यहां से ले जाओगे? अगर नहीं ले गया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। अपनी जवानी पे रहम खाओ और लौट जाओ। समझा इसलिए रहा हूं कि मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। और यही बात मैं तुमसे बोल रहा हूं, अपनी उम्र का ख्याल करो, मेरे दोस्त को छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे की जगह हूं। मिसेस गोम्स, आप होश में आ गई? हाँ, गॉड हमको ठीक टाइम पर होश में लाया। हमको ठीक टाइम पर होश में लाया, नहीं तो तुम आपका जिंदगी के लिए अपना होश खो बैठता। तुम अपना जहाज से अपना बेटे का खून कर देता। ये आप क्या कह रही हैं? नाम दो, ये तुम्हारा बड़ा बेटा जॉनी है। जॉनी मोदर और रघुवीर ने रुपए के लालच में मुझे मारकर दरिया में फेंक दिया। डॉन नाम के एक आदमी ने मुझे बचा लिया और अपने साथ विदेश ले गया, और वहीं मुझे पता चला कि कोयना के जलजले में मिसिस गोम्स और मेरा सारा खानदान तबाह हो गया है। कि अचानक डॉन ने मुझे किसी जरूरी काम से यहाँ भेजा। अब जब तक चक्की के असली कातिल रघु और दामु को पकड़वा कर अपनी बेगुनाही का सबूत ना हासिल कर लूं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अंकल, अगर ऐसी बात है तो दामू का बेटा उस वक्त तक यहां से नहीं जाएगा जब तक उसका बाप अपना जुर्म कबूल करके आपको बेगुनाह साबित न कर दे। दामू, तुम तु क्या मुझे इस इतला देखकर ताज्जुब हो रहा तुझे? मैं नाम दे जगी नहीं जो इतनी आसानी से मर जाऊंगा। मैं दामू हूं, दामू, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। मैं तुझे फांसी के तख्ते पे चढ़ा के मरूंगा। यार दामू, तू गलत समझ रहा है, मेरा बेटा कोई तुझको थोड़ी मारना चाहता था, वो तो नामदेव के बेटों को मारना चाहता था। नहीं नहीं, तेरे बेटे मुझको मारना चाहते थे, मैं तो बच गया, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। मैं पुलिस को जाकर तेरे तमाम करतूत बता दूंगा, कह दूंगा कि तूने जगी और नामदेव का खून किया। अरे जा जा जा, ये धमकी किसी और को देना समझा? अगर मैं फंसूंगा ना तो तू भी नहीं बचेगा। नहीं, इस खून का सबूत सिर्फ तेरे खिलाफ है। अरे जा जा, यकीन नहीं आता, देख। जाओ, आ गया यकीन? हाँ, जब तू जग्गी का खून कर रहा था मैंने तस्वीरें खींची थी, क्योंकि मैं जानता था एक दिन तू मुझे धोखा देने की कोशिश करेगा और मैं तब इन्हें तेरे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। Thank you.
रामजादे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा रघु, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये क्या किया तूने? मैंने आपकी जान बचाई। अरे मगर उसके हाथ में वो तस्वीर, इसमें मैं जग्गी का खून कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, तेरा बाप बेकसूर है। क्या? हाँ, जग्गी का खून तेरे बाप ने नहीं किया, रघु ने किया। रघु ने, देख उसे बातें कर रहा है, इससे पहले कि वो तस्वीर उसको दे दे, जा तुझसे तस्वीर ले ले, जा जल्दी जा। यही कहीं मेरा पर्स पड़ा, उसमें तेरे बाप की बेगुनाही का सबूत है, उसको ढूंढ। नीचे उतरो, नीचे उतरो। वाह बेटे, अपने बाप की बेगुनाही का सबूत ले जा रहे थे। सीधा चलो, दामू को तो हमने ऊपर से नीचे पहुंचा दिया, तो मैं नीचे से ऊपर पहुंचा देंगे। चला, ये लीजिए डैडी, ये रहा नामदेव का बेटा। ए, दामू ने मरने से पहले तुझे क्या दिया था? तेरी मौत का परवाना। क्या बकता है? चिल्लाने की आदत अभी तक नहीं गई टांगे वाले। वेटर की औलाद, मुंह संभाल के बात कर वरना। अरे चुप है। अबे शुक्र कर इस वक्त मुंह से बात कर रहा हूं, हाथ और लात से नहीं। कुछ देर पहले अगर तेरे बाप की असलियत का पता चल गया होता तो आज नीचे दामों की जगह तेरे बाप की लाश पड़ी होती। बकवास बंद करो, पर्स मेरे हवाले कर। कमान कमान, हरियाणा मैन। अब तो मैं ये पर्स सिर्फ पुलिस के ही हवाले करूंगा। अच्छा, इसे तो जलने दे बेटे। कमा, ये सबूत तो जल गया रेडी, कहिए तो इसे भी खत्म कर दे। हेलो रघु, मैं नामदेव बोल रहा हूँ। मरने वाले बोला नहीं करते, उनका खामोश रहना ही बेहतर है। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब तुम और तुम्हारे बेटों के मरने का वक्त आ गया है। नामदेव, ये तुम्हारी गलत फहमी है। डैड, मुझे बचाइए डैड, ये लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ पर पकड़ कर ले आए। अशोक, 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 डैड, अशोक। क्यों, गलत फहमी दूर हो गई? अब अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो पुलिस में जाकर कह दो कि जग्गी का खून तुमने किया था, मैंने नहीं। इतनी जल्दी? जरा अपने बेटे सनी से तो बात कर लो। लो पिताजी। सनी, तुम वहां कैसे पहुंच गए? पिताजी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, जाके पुलिस से कहिए कि मैं आया। सुन ली अपने बेटे की आवाज? अब मेरे बेटे को सही सलामत मेरे हवाले कर दो, वरना उसका भी वही हशर करूंगा जो मैंने दामू का किया है। दामू का? क्या किया है तुमने दामू का? उसे भी हमने अपने दोस्त जग्गी के पास पहुंचा दिया है। रामदेव, अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो उसे ठीक 2 बजे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पे लेकर आ जाओ। मेरा बेटा मुझे दे दो और अपना बेटा ले जाओ। तो तुम क्या समझते हो कि बच्चे बदले लेने से तुम बच जाओगे? जब पुलिस को पता चलेगा कि नामदेव तुम हो तब क्या होगा? और जब उसी पुलिस को पता चलेगा कि जग्गी के असली कातिल तुम हो तब क्या होगा? इसका सबूत किसके पास? सबूत? बास्टर्ड। सबूत यह है।
होल्ड इट। अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो उसकी मौत उसके पीछे खड़ी है। डॉन, कौन हो तुम? डॉन, मैं ही तुम्हारा असली डॉन हूं। तुम लोग आपस के झगड़े बाद में निपटा लेना, पहले मैं जिस काम के लिए आया हूं उसे पूरा करना। नामदेव, तो मेरे साथ अंदर चलोगे, ख्याल रखना। नामदेव, आज रात इस होटल की ओपनिंग के बाद तुम मेरे साथ हांगकांग चलोगे। क्यों? तुम्हारे जाने के बाद हांगकांग की पुलिस डॉन को गिरफ्तार करने आई थी, इसलिए मैं यहां डॉन को लेने आया हूं। डॉन को? लेकिन डॉन तो आप हैं। तुम्हारी नजरों में मैं डॉन हूं, लेकिन पुलिस की नजरों में डॉन तुम हो। जी हाँ, तुम। अब तुम अपने आप को वहां की पुलिस के हवाले कर दो। मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द ही तुम्हें वहां से आजाद करवा लूंगा और तुम्हारी बेगुनाही का ये सबूत भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम्हारे हवाले कर दूंगा? अगर मैं इनकार कर दूं तो? नहीं करोगे, और अगर करोगे तो यहां मैं इस सबूत के पुर्जे पुर्जे कर दूंगा और वहां बाहर मेरे आदमी तुम्हारे बेटों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये लो, लो, एक एक अंगूठी तुम तीनों पहन लो। लेकिन पिताजी, ये अंगूठियां आप हमें क्यों दे रहे हैं? इन पर ईसा मसीह, अल्लाह और ओम का नाम है, खुदा की खुदाई तुम्हारे साथ है। अब तुम तीनों यहां से सीधे घर चले जाओ। नहीं पिताजी, हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि यहां से चले जाओ। तुम सबकी भलाई इसी में है। और हाँ, घर पहुंचते ही फौरन मुझे इस जगह फोन कर देना। जाओ। लेकिन डॉन, इन तीनों को इधर आओ। इन तीनों को जाने दो। जाओ, जल्दी करो, जाओ। रघुवीर, दोस्त के पिता का हुक्म है, इसलिए अभी जा रहा हूं, लेकिन अपने पिता की मौत का बदला लेने फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। एक बात याद रखो रघु, दुश्मन को कभी भी अपने घर बुलाकर मत मारो। दुश्मन को कभी अपने घर बुलाकर मत मारो। उसको उसी के घर में मारो। उसको उसी के घर में मारो। दुश्मन भी खत्म हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। और किसी को शक भी नहीं होगा। नामदेव के बेटे अपने घर सही सलामत पहुंचने की खबर अपने बाप को टेलीफोन पर देंगे, और जैसे ही वो टेलीफोन नीचे रखेंगे मेरा बेटा जबिस्को और उसके साथ ही उन्हें गोलियों का निशाना बना देंगे। सुनाई नहीं देता, चलो चल के रोकते हैं। चलो, हेलो पिताजी। हाँ बेटे, तुम लोग ठीक तरह से पहुंच गए ना? हाँ पिताजी, आप? मैं ठीक हूँ। पिताजी, आप हमारे साथ आए क्यों नहीं? वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। पिताजी, आप कोई मुसीबत में तो नहीं है? लेकिन जब तक मैं ना हूं, तीनों इकट्ठे रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। जाओ, सब ठीक तो है ना? आंटी, 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 आंटी! तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। तुम? ये कौन है? डॉन का बेटा और तुम लोगों की मौत। याद है मिस्टर विकी, तुम्हारे कारण मेरे लंदन के कैसीनो का लाइसेंस कैंसिल हुआ था,
आज मौका मिला है तुमसे बदला लेने का। चलो चलो। रुक जाओ, तुम लोगों की मौत की खबर सुनकर डैडी बहुत खुश होंगे। नीलराज सुना नहीं, घुटनों पे आओ। कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं? अगर होती तो भी कौन पूरी करता। तुम्हारी माँ की मौत का बदला हम लेंगे। चल, तेरा बाप तेरे फोन का इंतजार कर रहा है, उससे फोन पे बात कर और बोल कि तूने हम तीनों को खत्म कर दिया है। ये ले, बोल। ये, घुटनों पे, घुटनों पे। यस डैडी, डैडी मैं इन तीनों को खत्म कर दिया। शाबाश बेटे, आई एम प्राउड ऑफ यू। सी यू टुनाइट। तुम्हारे पिता की जिंदगी इस वक्त खतरे में है, उन्हें जल्दी बचा लो। मैंने रिपोर्टिंग करते हुए ये भी पढ़ लिया था कि होटल के ओपनिंग के बाद वो लोग इन्हें जबरदस्ती हांगकांग ले जाएंगे। अंकल को बचाने के साथ साथ डॉन से उनकी बेगुनाही का सबूत भी हासिल करना है। वो तो सब ठीक है, लेकिन हम आज जाएंगे कैसे? आज रात वहाँ मेरा और मेरे ट्रूप का प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम तुम्हारा, ट्रूप हमारा। कौन खिलाड़ी हम जैसा, ताल
धमाके जाएंगे, चक्कर चला के जाएंगे। चेहरे पर ईसा मसीह की फिटकार है, अल्लाह की मार है और ओम की धिक्कार है। बेटे, मेरी बेगुनाही का सबूत इसकी जेब में पड़ा है। घबराइए मत पिताजी, वो फोटोग्राफ तो लड़कियां अपने साथ लेकर चली। चलो से निकल।
ईसा मसीह तुम्हारे साथ हैं, उन्हीं का सहारा लो। अंगूठियों की पुली बनाकर यहां से फौरन निकल जाओ। अंगूठी निकालो। Thank you.
किधर से देगा? अरे पैसा नहीं तो फिर दारू क्यों पिया? ये खाना क्यों खाया? देखो भाई, अब उनको लफड़ा नहीं मांगता है। अब उनके पास ये लॉटरी का टिकट है 5 लाख रुपए का। मांगता है तो लो, नहीं तो मारो। खाना खाए तो मार भी खाएगा। क्या क्या बात है जॉन? पिताजी आदमी पैसे नहीं दे रहा, बोल रहा कि सुनिए, आज से 20 साल पहले आप आजाद होटल में आए थे तो आपने इसी तरह खाना खाया था और आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं थे। आपने अपना लॉटरी का टिकट बेचा था ना? हाँ, बेचा तो था। हाँ, वो टिकट हमने ही खरीदा था। हाँ, लाओ बेटा टिकट लाओ, ये लो टिकट। भूल कर भी अपना नसीब किसी को बेचना नहीं, समझे? क्या बात है अंकल, क्या हुआ? देखो बेटा, ये आदमी जब भी यहाँ आए इसको आने देना, जो भी खाए खाने देना, इससे कभी कोई पैसा नहीं लेना। इस होटल नसीब में इस गरीब का भी नसीब शामिल है। एवरीथिंग इज फ्री, डांस भी फ्री।